तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्रैकिंग, क्रैकिंग का जो दूसरा नाम है वो है पायरोलिसिस। और एक चीज जो हमेशा के लिए आपने याद रखनी है वो है कि लिसिस का मतलब है कि कुछ ना कुछ टूट फूट हो रही है, कोई ना कोई तोड़ फोड़ कर रहा है या हो रही है। लाइसिस का मतलब जहां पे भी होगा उसका मतलब यही है कि कोई चीज टूट रही है। तो क्रैकिंग में हम क्या करेंगे, क्रैकिंग इज द ब्रेकिंग ऑफ कंपाउंड हैविंग हायर बॉइलिंग पॉइंट टू अनदर कंपाउंड हैविंग लो बॉइलिंग पॉइंट। अब क्रैकिंग करने के मोर देन वन मेथड है कि हम एक से ज्यादा मेथड यूज कर सकते हैं क्रैकिंग के लिए। तो हमारे पास जो सिलेबस में डिस्क्राइब है वो है ये तीन मेथड। इसमें सबसे पहले है हमारे पास थर्मल क्रैकिंग, स्टीम क्रैकिंग एंड कैटालिटिक क्रैकिंग। सबसे पहले नाम ही बता रहा है कि थर्मल क्रैकिंग क्या है, क्योंकि टेम्परेचर का यूज कर रहे हैं। टेम्परेचर का यूज क्या कर रहे हैं, इसमें हम हाई टेम्परेचर और प्रेशर, ये दो चीजें हैं याद रखने वाली। इट इन्वॉल्व्स द ब्रेकिंग ऑफ हायर हाइड्रोकार्बन्स टू लोअर हाइड्रोकार्बन्स एट हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर। टाइप्स में हमारे पास दूसरी तरफ है स्टीम क्रैकिंग। पॉइंट्स वो याद रखनी चाहिए वो ये है कि ये लिक्विड फेज में नहीं तोड़ता। इसका मतलब ये है कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसकी हमने ब्रेकिंग करनी है, ब्रेक डाउन करना है, उसको वेपर फेज में होना चाहिए। इसका मतलब कि उसे बॉइल्ड हो जाना चाहिए, उसको वेपर फेज या गैसियस फेज में होना चाहिए। उसके बाद हम इसे क्या करते हैं, स्टीम के साथ मिक्स करते हैं और उस स्टीम का टेम्परेचर होता है 900 डिग्री सेल्सियस। तो उससे क्या होता है कि जो हायर हाइड्रोकार्बन्स हैं वो लोअर हाइड्रोकार्बन्स में टूट जाते हैं। और जो थर्ड कैटेगरी है वो है हमारे पास कैटालिटिक क्रैकिंग की। कैटालिटिक क्रैकिंग में भी हमारे पास सेम यही वाला स्टेप है कि हम क्या करते हैं, टेम्परेचर ही प्रोवाइड करते हैं, लेकिन इस केस में लो टेम्परेचर एंड प्रेशर अप्लाई करते हैं ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। हमें पता था कि कैटलिस्ट क्या करता है, लोअर्स द एक्टिवेशन एनर्जी, इसीलिए आप टेम्परेचर में हाई और लो का फर्क देख सकते हैं। हमने कैटलिस्ट डाला, कैटलिस्ट ने क्या किया, रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज कर दिया बाय लोअरिंग द एक्टिवेशन एनर्जी। तो इसमें जो हमारे पास कैटलिस्ट यूज होता है वो है एलुमिनो सिलिकेट। एलुमिनो सिलिकेट का जो हमारे पास फॉर्मूला है वो है Al2O3+SiO2, ये है एलुमिनो सिलिकेट। तो ये हमारे पास एक जनरल रिव्यू था। अच्छा, अब हम देख लेते हैं इसकी कुछ एप्लीकेशंस को कि हम कैटालिटिक क्रैकिंग से किसके लिए एप्लीकेबल है। एप्लीकेशन में हमारे पास ये कुछ स्टेप्स हैं जो कि है हमारे पास यील्ड ऑफ पेट्रोल के। जो मैंने सबसे पहले बात की वो ये थी कि हम पेट्रोल की यील्ड का मतलब ये है कि पेट्रोल की प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए यूज करते हैं। दूसरा पॉइंट है कि हम इसे यूज करते हैं फॉर द प्रोडक्शन ऑफ लोअर हाइड्रोकार्बन। अब लोअर हाइड्रोकार्बन कौन कौन से होते हैं हमारे पास, है इथेन है, ब्यूटेन है, प्रोपीन है एटसेट्रा। तो पेट्रोल भी एक लोअर हाइड्रोकार्बन है, लेकिन पेट्रोल से नीचे भी बहुत सारे हाइड्रोकार्बन हैं जो इससे भी बहुत छोटे हैं। तो इथेन दो होते हैं इसके अंदर कार्बन, प्रोपेन में हमारे पास चार होते हैं, पांच होते हैं, ब्यूटेन में हमारे पास चार होते हैं, इस तरह। तो क्रैकिंग से ना सिर्फ हम पेट्रोल की यील्ड बढ़ा रहे हैं, बल्कि हम दूसरे का हाइड्रोकार्बन जो कि हमें इतना यूजेबल नहीं है, जो हायर है, जो हमारे पे इतने एप्लीकेशन में नहीं आते, तो हम उनको लोअर हाइड्रोकार्बन में करते हैं, कन्वर्ट कर देते हैं थ्रू क्रैकिंग। अच्छा, अब इन तीनों टाइप ऑफ क्रैकिंग का मकसद एक ही नहीं होता, अब इनके डिफरेंट पर्पसेस हैं। जैसे कि ये दोनों के दोनों जो क्रैकिंग है, थर्मल क्रैकिंग और स्टीम क्रैकिंग है, वो यूज करते हैं प्रोडक्शन ऑफ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। वो बच्चे जिनको अभी तक ये नहीं पता कि अनसैचुरेटेड कौन से होते हैं, तो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन वो होते हैं जिसके अंदर डबल या ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट हो। और दूसरा हमारे पास कैटालिटिक क्रैकिंग हम यूज करते हैं ताकि पेट्रोल की जो प्रोडक्शन है, सॉरी पेट्रोल की जो क्वालिटी है उसको बेटर करने के लिए हम क्या करते हैं, कैटालिटिक क्रैकिंग यूज करते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के रिलेटेड मजीद वीडियोस देखने के लिए क्लिक कीजिए स्क्रीन पर दी गई इस वीडियो को, सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को, एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।